हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेंच क्लासेस के और एक शॉर्ट्स वीडियो में। आज जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे कंट्रीज पासिंग थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसके थ्रू कौन कौन सी कंट्रीज पास कर रही है, ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। बेसिकली क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा होता है कि वो कुछ कॉम्बिनेशन देते हैं कंट्रीज के, और आपको उसमें से चूज करना पड़ता है कि किसके थ्रू किस कंट्री के थ्रू नहीं पास कर रही है। तो अगर हमें एक रफ आइडिया रहे कि किन किन कंट्रीज के थ्रू, किन कॉन्टिनेंट्स के थ्रू पास कर रही है, तो हमारे लिए गेस करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हर चीज हम एग्जाम में मेमोराइज नहीं कर सकते। बट अभी क्योंकि हम पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे पास इनफ टाइम है, तो हम इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, ताकि एग्जाम में ऐसे जो इजी गोइंग क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, वो हमारे लिए मिस ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर सबसे पहले हम देखें यहाँ पे वर्ल्ड मैप, तो हम देख सकते हैं कि ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जस्ट अ मिनट, मैं आपको, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन्स जा रही है ना, ये क्रॉस, यही आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंट नंबर 1 नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट नंबर 2 अफ्रीका, एंड कॉन्टिनेंट नंबर 3 एशिया, इसके थ्रू ये पास करती है। ठीक है, अब एक एक करके हम देखेंगे कि यहाँ पे ये किन कंट्रीज के थ्रू पास कर रही है। यानी हमने सबसे पहले जान लिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, कि तीन कॉन्टिनेंट के थ्रू पास करती है। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, देन अफ्रीका, एंड देन एशिया। देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में ये कहाँ पास करती है। तो अगर नॉर्थ अमेरिका का हम ये मैप देखें, तो ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां से ये पास करती है। जो डॉटेड लाइंस आप यहाँ देख रहे हैं, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो कंट्रीज के थ्रू पास कर रही है। पहला है मेक्सिको एंड सेकंड है ये बहमास। ठीक है, बहमास आर्किपेलागो है, इसके थ्रू ये पास करती है। तो नॉर्थ अमेरिका में दो कंट्री है, मेक्सिको और बहमास, जिसके थ्रू ये क्रॉस कर रही है। तो अगर एग्जाम में अगर आपके पास कभी ऑप्शन में यूएस और कनाडा रहता है, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका का जो सदर्न पार्ट है, वहां से ये क्रॉस कर रही है। और सदर्न पार्ट पे हमें कौन सी कंट्रीज मिल रही है, मैक्सिको मिल रही है, और फिर जो है उसके बाद बहमास मिल रही है। यहां तक हम लोग क्लियर है, तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट की अफ्रीका। इसके बाद हमारे पास कौन सी कॉन्टिनेंट आ रही है, अफ्रीका। अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज के थ्रू ये पास कर रही है। अफ्रीका में इन टोटल ये 7 कंट्रीज के थ्रू पास कर रही है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ ध्यान से देखें, तो ये है हमारा, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पूरा जो डॉटेड लाइन जा रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। यहाँ पे अगर हम कंट्रीज देखें, तो सबसे पहले यहाँ पे है ये नंबर 1 वेस्टर्न सहारा। सेकेंड नंबर पे यहाँ मोरिटानिया है। ठीक है, थर्ड नंबर पे ये माली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो शेड किया हुआ कंट्री जो है। फोर्थ यहाँ नाइगर है। ठीक है, यहाँ पे नाइगर से बिल्कुल थोड़ा सा टच करते हुए जा रही है। इसके बाद यहाँ फिफ्थ, यहाँ पे ये लीबिया है, जिसको ये क्रॉस कर रही है। सिक्स्थ इजिप्ट है। ठीक है, और आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैंने काउंटिंग गलत की, एक यहाँ अल्जीरिया से भी क्रॉस कर रही है। होप इतनी चीजें आपको क्लियर है। टोटल 7 कंट्री से कर रही है, वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, अल्जीरिया, माली, नाइगर, लीबिया एंड इजिप्ट। यहाँ पे क्लियर है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब अगर हम देखें, तो इन 7 कंट्रीज को याद करना है, जैसे अभी आपको पढ़ाते वक्त मैं खुद मिस कर गई। ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में हर वक्त ये चीजें फ्रेम नहीं रहती हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक्स हमने रखा है, वी मेट माली एट नाइल। अगर हम इस निमोनिक्स को याद रखें, तो हम इजिली अफ्रीका कॉन्टिनेंट के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास कर रही है, हम देख सकते हैं। और ना सिर्फ हमको इस निमोनिक्स के थ्रू ये पता रहेगा कि इन कंट्रीज के थ्रू पास कर रही है, बल्कि उन कंट्रीज का सीक्वेंस भी पता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, जस्ट अ मिनट मैं आपके लिए रब कर दे रही हूँ, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो सबसे पहले हमने कहा वी मेट माली एट नाइल। वी वी यहाँ पे वेस्टर्न सहारा के लिए है, WEV यहाँ वेस्टर्न सहारा के लिए है। तो ये रहा आपका वेस्टर्न सहारा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा मेट, ये मेट जो है ये मोरिटानिया को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये मेट जो है ये मोरिटानिया को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमने कहा माली। माली आप समझते हैं ना, जो हमारे यहाँ गार्डन में काम करता है उसको हम माली कहते हैं। ठीक है, तो हम इस निमोनिक्स के थ्रू यही याद करें कि वी मेट माली, हम माली से मिले, कहाँ मिले, नाइल पे मिले। ठीक है, तो WEV वेस्टर्न सहारा,
मेट मोरिटानिया, माली, ये रहा आपका माली, ठीक है। एट, ये एट जो है इसको हम अल्जीरिया रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ ए कैपिटल है, सिर्फ ए से अल्जीरिया है, टी स्मॉल लेटर में, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये अल्जीरिया के लिए। एंड वी मेट माली एट कहाँ पे, नाइल, नाइल, एन आई, यानी कि ये नाइगर है, ठीक है। एल से लीबिया है और ई से इजिप्ट है। होप ये चीजें आपके लिए क्लियर रहेंगी। वी मेट माली एट नाइल। आइंदा अगर आगे से आपको जब भी अफ्रीका के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास कर रहा है याद करना हो, तो सेवन कंट्रीज है, आप इजीली याद रख सकते हैं। वी मेट माली एट नाइल, वी वेस्टर्न सहारा, मेट मोरिटानिया, माली एट अल्जीरिया, नाइल के लिए नाइगर, लिबिया एंड इजिप्ट, ठीक है। ये सेवन कंट्रीज हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा एशिया आता है। एशिया में अगेन जो है बहुत सारी कंट्रीज के थ्रू जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है। इन टोटल यहाँ पे एट कंट्रीज हैं जिसके थ्रू क्रॉस कर रहे हैं। उन एट कंट्रीज के नाम है सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एंड ताइवान। बट अब इसको अगेन अगर हम याद ना रखें तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कई बार एग्जाम में, और कुछ हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा और हमारे लिए क्वेश्चन मिस करना पड़ सकता है उस केस में। इसके लिए क्या करते हैं कि हमने एक छोटा सा अगेन निमोनिक रखा है, सुओ आईबीएम सिटी। सुओ, सुओ मोटो आप लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में पढ़ रखा होगा, जुडिशरी के रेफरेंस में डेफिनेटली आप लोगों ने सुओ मोटो पढ़ रखा होगा, ठीक है। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है, अपने आप से जब कोर्ट किसी केस को पिक करता है, दैट इज सुओ मोटो। तो सुओ मोटो से हमने सुओ लिया यहाँ पे, SUO, ठीक है, और हमने बना दिया सुओ आईबीएम सिटी। आईबीएम अगेन आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने बहुत सारे लोग जो है इस कंपनी के साथ काम भी किए होंगे, एक आईटी की कंपनी है, ठीक है। तो अगेन सुओ आईबीएम सिटी, हमने कहा आईबीएम ने क्या किया, अपने आप से ही अपनी एक सिटी बना दी, ठीक है, उसको हमने कह दिया सुओ आईबीएम सिटी। सुओ का एस है सऊदी अरेबिया, यू है यूएई, ओ है ओमान, आई से इंडिया, बी से बांग्लादेश, एम से म्यांमार, सी से चाइना एंड टी से ताइवान। एंड अगेन इस निमोनिक्स को याद रखने से फायदा ये है कि ना सिर्फ हमें इन कंट्रीज के बारे में पता है कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करी, बल्कि हमें ये भी पता है कि इन सीक्वेंस ये ही है, वेस्ट टू ईस्ट जब हम बढ़ते हैं तो इसी ऑर्डर में कंट्रीज की लोकेशन है, ठीक है। तो हम वेस्ट टू ईस्ट अरेंज भी करना हो तो हमारे लिए मुश्किल नहीं आएगा। अब इन कंट्रीज को जरा मैप पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये है हमारा सऊदी अरेबिया, जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करी, आप डॉटेड लाइन देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूएई है, ये छोटा सा कंट्री, उसके बाद यहाँ पे ओमान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा इंडिया के थ्रू, यहाँ ओमान के बाद देखिए ये यहाँ पे पूरा वाटर बॉडी है, ठीक है, ये अरेबियन सी इंडियन ओशन में पार्ट है। यहाँ पे उसके बाद ये इंडिया के थ्रू पास कर रही है। अच्छा, अगर आप लोगों को पता हो कि इंडिया में ये कितने स्टेट से पास करते हैं और कौन कौन से स्टेट से पास करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और अगर नहीं पता है तो ये भी बताएं, मैं एक अगला वीडियो इसको लेकर जरूर आऊंगी। और जिनको पता है प्लीज आंसर मेंशन करिएगा, मैं उनका कमेंट पिन करूंगी। ओके, इंडिया के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश के थ्रू पास करती है, उसके बाद ये यहाँ पे म्यांमार के थ्रू पास कर रही है, देन ये बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ चाइवान, चाइना के पास जाती है, चाइना के थ्रू पास करते हुए ताइवान को क्रॉस करती है। क्लियर है यहां तक? एशिया में एट कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एंड ताइवान, टोटल एट कंट्रीज है। सुओ आईबीएम सिटी, आईबीएम कंपनी ने अपने आप से अपनी एक सिटी बना दी है, सुओ आईबीएम सिटी। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कहानी नहीं खत्म होती है। आप कई जगह अगर गूगल भी करेंगे तो आपको हमेशा नेट पे लिखा हुआ मिलेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 17 कंट्रीज, बट ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बाद, एशिया से निकलने के बाद ना, ये पैसिफिक ओशन में जो है एक और कंट्री को पास करती है। एग्जैक्टली कंट्री कहना गलत होगा, यहाँ पे हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड आप लोगों को पता होगा, हवाई आइलैंड का ही एक आइलैंड का पार्ट है, नेकर आइलैंड। नेकर आइलैंड के साउथ से ये क्रॉस करती है, ठीक है। पैसिफिक ओशन में हवाई आइलैंड ग्रुप्स का ही आइलैंड में एक छोटा सा आइलैंड है नेकर आइलैंड। नेकर आइलैंड के साउथ से ये क्रॉस करती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गूगल में आप नॉर्मली करेंगे तो नहीं मिलेगा। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के मैंने जो है मैप सीरीज देखे हैं, वहां पे भी जो है ये मेंशन नहीं किया गया, इसलिए स्पेसिफिकली आप इस चीज का ध्यान रखेंगे क्योंकि यूपीएससी फिर ऐसे ही पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ जो ये पैसिफिक ओशन में नेकर आइलैंड के साउथ से पास करी, यहाँ ये किसी लैंडमार्क के थ्रू पास नहीं कर रही है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगेन
एक बार अगर मैं समराइज करूं तो इन टोटल जो है ये 18 कंट्रीज से पास कर रही है। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको और बामास से कर रही है, दो कंट्रीज से। उसके बाद हमने अफ्रीका में हमारी ट्रिक देखी थी, वी मेट माली एट नाइल, ठीक है, जहां पे हमने कहा वी से वेस्टर्न सहारा था, मेट से मोरिटानिया था, माली से माली था, एट से अल्जीरिया था, और नाइल में हमारी तीन कंट्रीज थी, नाइगर, लिबिया और इजिप्ट, ठीक है। उसके बाद हमने कहा एशिया, एशिया में हमने कहा अगेन कि यहाँ पे सुओ आईबीएम सिटी है, सुओ आईबीएम सिटी में हमने कहा था एस से सऊदी अरेबिया, यू से यूएई, ओ से ओमान कहा था, आई से हमने इंडिया कहा था, बी से बांग्लादेश कहा था, एम से म्यांमार कहा था, सी से चाइना कहा था और टी से ताइवान कहा था। इसके बाद हमने कहा यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हो रही है, एशिया के बाद जो है ये पैसिफिक ओशन में जा रही है, वहां नेकर आइलैंड जो कि हवाई आइलैंड ग्रुप का पार्ट है उसके साउथ से ये क्रॉस कर रही है। ये डेफिनेटली किसी लैंडमार्क को वहां पे टच नहीं कर रही है, वहां पे लैंडमार्क के थ्रू पास नहीं कर रही, बट नेकर आइलैंड के साउथ से पास कर रही है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही था, और हाँ आप लोग जरूर से मेंशन करिएगा कि इंडिया में कितने स्टेट और किस किस स्टेट के थ्रू जो है आपकी ट्रॉफी ऑफ कैंसर पास कर रही है। सही आंसर को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, बाय बाय।